రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. లైవ్లో చూద్దాం. Oath or affirmation, Secretary General. Shri Elamaram Karim. Shri Kukude Madhukar Rao Yashwant Rao. Main Madhukar Yashwant Rao Kukude जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा. जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसे कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा. Congratulations. Shri Gavit Rajendra Dhedia. राजेंद्र धेड्या गावित लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाद्वारे परत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडेन. I take her, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.
Congress. Shrimati Tabassum Begum. लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी माननीय सदस्यगण मुझे हमारे तीन पूर्व सदस्यों श्री बहादुर सिंह श्री सनत कुमार मंडल और श्री कंडाला सुब्रमण्यम के दुखद निधन के बारे में सभा को सूचित करना है श्री बहादुर सिंह पंजाब के लुधियाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पहली और दूसरी लोकसभा के सदस्य थे श्री बहादुर सिंह ने अनुसूचित जातियों के उत्थान और लघु उद्योग के प्रोत्साहन के लिए अथक कार्य किया श्री बहादुर सिंह का निधन 25 अक्टूबर 2017 को 92 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ श्री सनत कुमार मंडल पश्चिम बंगाल के जयनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे अपने लंबे संसदीय जीवन के दौरान श्री मंडल ने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में सेवा की सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता श्री मंडल पश्चिम बंगाल में वंचितों और गरीब किसानों के कल्याण हेतु सदैव कार्यरत रहे बम धमक श्री सनत कुमार मंडल का निधन 19 अप्रैल 2018 को 76 वर्ष की आयु में पश्चिम बंगाल में के कोलकाता में हुआ श्री कंडाला सुब्रमण्यम तत्कालीन मद्रास राज्य जो अब आंध्र प्रदेश का विजयनगरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है पहली लोकसभा के सदस्य थे श्री कंडाला सुब्रमण्यम का निधन 8 जून 2018 को 97 वर्ष की आयु में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ हम अपने तीन पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है माननीय सदस्यगण उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के जिले में 1 जुलाई 2018 को एक बस खैरी खाई में गिर जाने से 48 व्यक्तियों की मृत्यु होने और कई अन्य के घायल होने की सूचना है सभा इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त करती है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है अफगानिस्तान के नंगरहर प्रांत में 16 और 17 जून 2018 को ईद उल फितर उत्सव के दौरान हुए दो आतंकी बम धमाकों में कई व्यक्तियों की मृत्यु होने और अनेक अन्य के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है एक अन्य आत्मघाती आतंकी हमले में अफगानिस्तान के जलालाबाद में 1 जुलाई 2018 को अफगानिस्तान के सिख और हिंदू समुदाय के 13 सदस्यों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है यह सभा इन कायरतापूर्ण आतंकी हमलों के कड़े शब्दों में एक स्वर से निंदा करती है और इन आतंकी हमलों में निर्दोष लोगों के मारे जाने पर शोक व्यक्त करती है यह सभा अफगानिस्तान के लोगों संसद और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त करती है
तथा ऐसे जघन्य हमलों के षड्यंत्रकर्ताओं को सजा दिलाने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का समर्थन करती है। यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में अब कुछ देर मौन खड़ी रहे। शांति। सदस्यगण एक मिनट, आपको एक सूचना देना चाहूंगी। आप में से बहुत से सदस्यों ने यह मांग की थी कि हमें हाउस के अंदर वाईफाई सुविधा उपलब्ध हो जाए, ताकि हम अपने डिवाइस पे एक पेपरलेस की तरफ हम आगे बढ़े। मैं आपसे कहना चाहूंगी, हमारे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद और विशेष तौर पे हमारे राज्य मंत्री श्री अलुवालिया जी, इनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। जब इनसे चर्चा करके आज उन्होंने यह सुविधा लोकसभा के अंदर यहाँ पर उपलब्ध हो गई है। अब आप अपने पोर्टल पर सर्फ कर सकते हो और इंट्रानेट पे आपके साथ अगर डिवाइस हो, आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, जो भी डिवाइस आपके पास हो, तो आप इसमें विभिन्न वेबसाइट जो गवर्नमेंट की, भारत सरकार की विभिन्न वेबसाइट प्लस लोकसभा की लाइब्रेरी और जो भी आप चाहे, वो इंटरनेट सुविधा से आप इस वाईफाई का उपयोग कर सकते हो। उसकी सुविधा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने पहले ही करा लिया होगा, ऐसे मैं मानती हूँ, नहीं हो तो आप कर लेंगे और इसका उपयोग अब आप लोग जो भी करना चाहें, यू कैन डू इट। नाउ क्वेश्चन अवर, क्वेश्चन नंबर वन, नॉट नाउ, आफ्टर क्वेश्चन अवर आई विल अलाउ, आफ्टर क्वेश्चन अवर एवरीथिंग, आफ्टर क्वेश्चन अवर, नॉट बिफोर दैट। आई नो श्री अशोक चव्हाण, आई नो क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन अवर आई विल, क्वेश्चन नंबर वन, व्हाटएवर यू वांट, अशोक चव्हाण क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर वन सर, लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस, यू प्लीज गो टू योर सीट, आई विल नॉट अलाउ ऑल दिस थिंग, आई एम सॉरी, अदरवाइज आई विल नॉट अलाउ यू टू स्पीक ऑन एनी सब्जेक्ट, यू प्लीज गो टू योर सीट। यस सप्लीमेंट्री, आफ्टर क्वेश्चन अवर, नॉट नाउ, प्लीज कर दीजिए, नॉट दिस, डोंट डिस्टर्ब क्वेश्चन अवर, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट आई विल अलाउ यू, आफ्टर दैट प्लीज, प्लीज टेक योर सीट। मैं मना नहीं कर रही हूँ खड़गे जी, मैं मना नहीं कर रही हूँ, क्वेश्चन अवर के बाद अभी कोई नहीं, कोई नॉन नोटिस। मैं सब कुछ सुनूंगी, मैं सुनूंगी क्वेश्चन अवर के बाद। अशोक चव्हाण, यू डोंट वांट टू, आपको नहीं पूछना है प्रश्न। सुधीर गुप्ता अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले भारत सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने बेहतरीन कार्य योजना के तहत मानसून विभाग ने 2014-15 के दौरान मानसून की अल्प वर्षा का सही पूर्वानुमान लगाने में समर्थ रहा है, एवं मैं सराहना भी करूंगा कि एलपीए जो दीर्घ अवधि औसत अनुमान 5.9% रहा है, जो पूर्व में 8.5% था, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मौसम विभाग प्रत्येक ग्राम पंचायतों को मौसम पूर्वानुमान की सूचना प्रेषित करने का कोई कार्यक्रम बनाएगा, ताकि प्रत्येक कृषक भाई मौसम का पूर्वानुमान लगा सके एवं अपनी फसल एवं बीजों का निर्णय मौसम विभाग की सूचनाओं के अनुरूप ले सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को ये सूचित करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आने के बाद हमारी कैबिनेट ने अप्रूव करके नेशनल मानसून मिशन को लॉन्च किया है, और नेशनल मानसून मिशन को लॉन्च करने के बाद अभी हम सारे देश में ब्लॉक लेवल पर जो है वेदर फोरकास्टिंग जो है करते हैं, यानी 12 किलोमीटर इंटू 12 किलोमीटर के एरिया के अंदर,
और इस समय इस महीने के अंत तक हम लगभग 39 मिलियन यानी 3.9 करोड़ किसानों को उनके खेती से संबंधित जो मौसम की जानकारी जिसके आधार पर वो अपनी खेती को प्लान कर सकते हैं वो सारी की सारी सूचनाएं हम उनको देने वाले हैं। अभी हम 24 मिलियन को दे रहे हैं और इस महीने के अंत तक सारी तैयारी हो चुकी है, ये करीब 39 मिलियन हो जाएगा। मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही कि ये जो जानकारी है वो हम पिछले समय में नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने इसके बारे में अध्ययन किया और 2015 में रिपोर्ट देकर उन्होंने बताया आधार पर सारे देश को करीब 50,000 करोड़ का टीडीपी में फायदा होता है। ये जानकारी जब हम 22 फसलों के संबंध में किसानों को देना प्रारंभ करेंगे तो इसके कारण देश का टीडीपी को 3.5 लाख करोड़ का फायदा होने वाला है। नेशनल मानसून मिशन लॉन्च होने के बाद हमने जो हमारा पहले स्टैटिस्टिकल एनसेंबल मॉडल था उसके साथ साथ अभी डायनेमिक मॉडल को भी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। हमें दुनिया के हाई परफॉर्मेंस दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केवल अमेरिका, इंग्लैंड और जापान को छोड़कर हम चौथे नंबर पर दुनिया के अंदर वेदर फोरकास्टिंग में इंटरनेशनली जो है हम पहुंच चुके हैं और इस समय हमारी टोटल जो कैपेसिटी है कंप्यूटिंग की वो 10 पीटा फ्लॉप की हो चुकी है। मैं माननीय सदस्य के माध्यम से सदन को एश्योर करना चाहता हूं कि इस दिशा के अंदर हम निरंतर प्रगति कर रहे हैं और भी जितने भी इसके साथ जुड़े हुए आयाम हैं, चाहे वो साइक्लोन की फोरकास्टिंग के बारे में हो, चाहे वो हीट वेव्स की फोरकास्टिंग के बारे में हो, चाहे वो अर्ली सुनामी वार्निंग्स के बारे में हो, सभी में हमारा जो स्तर है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो चुका है। I have gone through the report table by the minister regarding the preparedness of a central government for the normal monsoon or not so normal monsoon is very unsatisfactory. My question is whether the central government would like to show and demonstrate its preparedness on a pilot basis at the micro level, say at Paradip in a port town in Odisha in the coastal belt with adequate manpower and technology. Thank you, madam. I think I have already replied in the earlier this thing that right now we are doing it at the block level in the whole country, and in the block level also after computing the results in 50 places we have already made all the preparations and all the scientific studies for giving advisories also, which will further be expanded to all the districts. So in terms of equipment or the facilities or the manpower, we are well equipped. I think we are now international level. Question number 2, Sri Rahul Chevali. Thank you, Madam Speaker. Number one. Madam Speaker, my first supplementary question is the local skilled workforce is the biggest problem of a setting up of nuclear power plant across the world, and India is not an exception to it. So I would like to ask the Honorable Minister, what steps have been taken by his ministry to address the problem of a local skilled workforce from the groundbreaking until the commissioning of proposed nuclear plants in the country? Speaker ma'am, the concern of the Honorable Member is well taken. As a policy and as per the guidelines also, preference is always given to the local skilled and unskilled workers. And we have a category which is known as PAP category, in other words the project affected population, and not only are they given preference but they are also given certain relaxations in comparison to their counterparts who do not hail locally. For example, there is an age relaxation of 10 years in respect of these project affected local population, which means even in a general category they would be eligible to apply for a job up to the age of 45 years compared to 35 years in case of other general population. Similarly ma'am, in qualification, the minimum qualification required in general is 50% after graduation,
in this case of the local population has been reduced to mere pass percentage, which in another words means 33%. Thirdly, where entrance or the examination purpose in cases where it is required, normally the language of medium is English and Hindi, but in this case we have also included the local language. Not only this, the member would be interested to know that there are other provisions also available. For example, in case of Jaitapur, there is a provision of providing 5 lakh per person in lieu of the job, and so far he would be interested to know that rupees 226 crore has already been dispensed in addition to rupees 50 crore which was purely meant for the job compensation. Second supplementary. Madam Speaker, my second question. An environmental survey laboratory is set up at each of the nuclear power plant site to analyze change in environmental metrics like air, water, vegetation, crops, milk, fish around the nuclear plant. I would like to ask the Honorable Minister, how much such laboratory has been set up so far in Maharashtra and across the country? In the answer itself, I have tried to include the table of the individual states, but as far as the environment concerns are concerned, immediately we follow the guidelines which are internationally known, and even at the outset, before the construction is taken up, during the construction there is a 3-monthly appraisal, and after the construction is complete it is 6-monthly, and then every 5 years the license is renewed. Therefore, a due consideration is taken of the environment, not only before launching the project, not only at the time of planning and construction, but even after the project has been made functional. The appraisal of the environmental concerns is mandatory every 5 years, and besides that, we have teams of the international atomic energy bodies which periodically visit India and also give their own inputs and views. There are two mistakes in the reply given by the Honorable Minister. One, in page 1, Gorakhpur is mentioned as being part of Haryana, which is not correct. The same should be corrected. In page 2, they have mentioned that in West Bengal, in Haripur, in principle approval has been given for building a nuclear plant. The state government has not cleared the project, nor has it promised land. I don't know from where the minister got the figure that Haripur nuclear plant will be set up. That the minister should correct this. But my question is, mainly these are mistakes which need to be corrected. My question is, the main problem of setting up new nuclear plants is the problem of civilian liability for nuclear damage and the insurance. The minister has said in his reply that they have resolved. No bill, no legislation for civil liability for nuclear damage has been brought forward by the government yet. Nor do we know what insurance will be paid to those who will be affected by nuclear disasters. I would like the minister to clarify the position of the government with regard to civil liability for nuclear damage and with regard to insurance pool. Speaker ma'am, Sugata Roy professor is much more learned and informed, so I don't I hate to point out that the mistake which he has pointed out is actually mistake on his part. There is a place called Gorakhpur in Haryana which is being referred to. It is not the Gorakhpur which he has taken. On the contrary, I think the Modi government deserves due credit that this project had been stalled for several years. Immediately after taking over